हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरेंडर्ड स्टॉक्स के बारे में। इन स्टॉक्स में हम कॉल ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम 6 अक्टूबर की बात करते हैं तो 6 अक्टूबर के दिन इन स्टॉक में हमें अच्छी प्रॉफिट मिल सकता है। वैसे दोस्तों, कॉल के लिए मैं जितने सारे स्टॉक आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, सारे स्टॉक में सिर्फ बाय का कॉल दे रहा हूँ। और इसका वजह है कि मार्केट काफी अच्छी रिवर्सल दिखा रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, तो इसलिए सिर्फ बाय का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें जितना सारे स्टॉक है, ज्यादातर स्टॉक में यहाँ पर आपको बुल नजर आ रहा है, मतलब मार्केट रिवर्सल का तैयारी कर रहा है। तो देखिए, कल के लिए हमारा पहला एंट्री स्टॉक होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर की बात करते हैं, काफी अच्छी बुलिश नजर आ, आप देख सकते हो ऐसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म करके रखा है, जो भी काफी अच्छी बुलिश पैटर्न होता है। तो ऊपर का जो लेवल आप देख रहे हैं, ये जो निक लाइन है, इसे अगर कल ब्रेकआउट दे दे तो आप साइड में अच्छी किसी मोमेंटम हमें मिल सकते हैं, तो स्टॉक को हम बाय करेंगे। 2626 के ऊपर स्टॉक को बाय करना है। पहला टारगेट 2634 रुपया, दूसरा टारगेट 2439 रुपया और 2614 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक को आप जरूर फोकस में रखिए। यहाँ पर सेलिंग साइड में फिलहाल कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, अगर मिल जाता है तो लाइव मार्केट में उसका अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जैसे हम डाउ की बात करते हैं, डाउ बहुत आप यहाँ पर देखिए, आज लगभग यहाँ पर 700 पॉइंट्स आपने जाके क्लोजिंग दे दिया था कल के दिन अगर बात करें। और साथ ही साथ अगर नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक भी काफी ऊपर है। तो इसलिए दोस्तों, इंडियन मार्केट में यहाँ पर आपको गैप अप भी मिल सके। अगर गैप अप ओपनिंग हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट में हम बाय ऑन डिप करेंगे, मतलब जैसे मार्केट गिरेगा तभी हम हमसे बाय करेंगे, मतलब ऊपर से गैप अप होने के बाद जैसे नीचे आएगा, इस लेवल के आसपास आएगा, स्टॉक को हम बाय करेंगे। तो गैप अप होने के बाद बाय ऑन डिप एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन जाता है। तो देखिए, दूसरा एंट्री स्टॉक होंगे ग्रैनुअल्स। अगर हम ग्रैनुअल्स शेयर की बात करें, यहाँ पर भी काफी अच्छी बुलिश पैटर्न हमें मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न मिल जाए, जो कि काफी अच्छी बुलिश पैटर्न होता है। और राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को कल इसे ब्रेक कर जाते हैं और इसे रिटेस्ट करते हैं, या इसके ऊपर कुछ टाइम होल्ड कर जाते हैं ब्रेक करने के बाद, तो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर हमें मिलेगा, तो स्टॉक को हम बाय करेंगे। 369 रुपये के लेवल के ऊपर हमें बाय करना है, टारगेट 361 रुपये, दूसरा टारगेट 362 रुपये और 397 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस सेट करेंगे। फिलहाल ग्रैनुअल्स का स्टॉक में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेलिंग साइड में एक मौका मिल सकता है, अगर इसे उस टाइम इसके नीचे होल्ड कर जाए, ब्रेक ना कर पाए तो फॉल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। फिलहाल उसका लेवल भी आपको लाइव मार्केट में मिलेगा, अगर ऐसा कुछ होता है मेरा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और तीसरा एंट्री स्टॉक की बात करते हैं, कल के लिए हमारा तीसरा एंट्री स्टॉक होगा चंबल फर्टिलाइजर। वैसे चंबल फर्टिलाइजर पे भी काफी अच्छी बुलिश नजर आ रही है, मतलब मार्केट रिवर्सल का तैयारी कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमें मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बुलिश पैटर्न होता है। ये जो नेक लाइन आप देख रहे हैं, इस नेक लाइन को अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे देता है तो अच्छी मोमेंटम यहाँ पर भी हमें मिल सकते हैं, तो स्टॉक को हम बाय करेंगे। 323 के ऊपर स्टॉक को बाय करना है, पहला टारगेट 326 रुपया, दूसरा टारगेट 327 रुपया और 320 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारा तीसरा एंट्री स्टॉक जिनमें हम कॉल ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो काफी दिनों से मैं यहाँ पर आपको कोई भी वीडियोस नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए आपको कोई भी वीडियोस नहीं मिला 4-5 दिन में। तो आप कल से आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगा। चलिए, और अगला स्टॉक यहाँ पर होंगे हमारे पास टाटा पावर। वैसे अगर हम टाटा पावर शेयर की बात करते हैं, काफी अच्छी बुलिश यहाँ पर भी नजर आ रहा है, एक रेजिस्टेंस में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, पहले तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, 2-3 टाइम ही लेवल पर रेजिस्टेंस ले लिया है। तो टाटा पावर अगर इस लेवल को टूटता है, इसे ब्रेकआउट देता रहे, तो अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर भी हमें मिल सकता है, तो इसे भी फोकस में रखिएगा कल के दिन। जैसे इस लेवल टूटेगा, स्टॉक को हमें बाय करना है, 220 के ऊपर बाय करना है, पहला टारगेट 222 रुपया, दूसरा टारगेट 223 रुपया और 218 का लेवल पे हम स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो इन सारे स्टॉक को जरूर ट्रेड करिएगा, अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर आपको मिल सकता है। कल के लिए अगर निफ्टी के लेवल्स को दिखा जाए तो देखिए इंटरडे में क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिलहाल अगर निफ्टी की बात करें, काफी अच्छी पोजीशन में निफ्टी क्लोजिंग दे दिया है। देखिए जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया, 17240 के ऊपर क्लोजिंग दिया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग दिया, मतलब उसके ऊपर स्टे कर गई। देखिए ये रेजिस्टेंस इससे पहले प्रीवियस सपोर्ट था और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, क्योंकि यही लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ने अप रैली में गया था, जो कि बहुत बड़ा रैली हमें देखने को मिला था। और इसलिए इस स्टॉक इस जो लेवल था आपको 17240 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और निफ्टी ने कल इसे ब्रेकआउट दिया सबसे पहले, उसके बाद इसके ऊपर ही स्टे कर गई, जो कि बहुत ही शानदार बात है। और इसलिए सबसे पहले कल के लिए मैं आपको रेजिस्टेंस दिखाऊंगा, और कल के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हमें मिला निफ्टी में, वो 17350 का लेवल पर मिल रहा है।
17,350 को अगर दिखा जाए तो देखिए ये लेवल ए रेजिस्टेंस अगर टूटे तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें मिलता था 17,770 का लेवल, जो कि अच्छी रेजिस्टेंस फील कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले प्रीवियस सपोर्ट था और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 4-5 बार यही लेवल पर सपोर्ट ले लिया है निफ्टी ने, तो एक रेजिस्टेंस फिर आप कम कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस टूटे तो तीसरा रेजिस्टेंस मिल जाता है 17,540 का लेवल पे, और ये तीन रेजिस्टेंस फिलहाल काल वर्क कर सकते हैं आपके लिए। फिलहाल सपोर्ट की बात करें, सबसे पहला सपोर्ट तो यही होगा, लेकिन अगर बात करें गैप अप अगर हो जाता है, देखिए गैप अप मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि यूएस मार्केट में आप है, मतलब अगर हम डाउ फ्यूचर की बात करते, डाउ लगभग यहाँ पर 800 पॉइंट तेजी के साथ क्लोजिंग दिया था कल, वैसे आज मैं चेक नहीं है क्या कैसे। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी लगभग यहाँ पर 3% तक का बढ़त के साथ क्लोजिंग दे दिया था, मतलब यूएस मार्केट में बहुत शानदार तेजी रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए इंडियन मार्केट में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा आपको, मतलब गैप अप हो सकते हैं। अगर इंडिया में गैप अप 17,350 की ऊपर हो, मतलब निफ्टी में हो, तो सबसे पहले हमें बाय ऑन डीप का ही इंतजार करेंगे, मतलब नीचे जाए इस रेजिस्टेंस जो है ASX सपोर्ट की तरफ कम कर सकते हैं, इसे बाय करेंगे, जैसे नीचे जाएगा इस सपोर्ट के आसपास बाय करेंगे और अगला हम आप मोमेंट में देखेंगे। लेकिन अगर ये इसका नीचे ओपन हो 17,397 नीचे ओपन हो, तो इसे भी हम यही देखेंगे कि नीचे जाए और इसे 17,240 को रिटेस्ट करे, यहाँ पर रिटेस्ट करे तो फिर से हम कॉल लेंगे, ऊपर की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि बाय ऑन डीप बहुत ही अच्छी ऑप्शन जैसे गैप अप मिलता है। तो इन कुछ स्टॉक कुछ लेवल्स को आप जरूर ट्रैक करेगा कल के दिन। इंटर चलिए अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या क्या इंटर लेवल हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर हमें मिल रहा है 39,107 का लेवल, फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये क्लोजिंग जो दिया है इसे ब्रेक नहीं कर पाया बैंक निफ्टी में, इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दे दिया है। तो एक ये लेवल अगर टूटता है तो अगला रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें मिल रहा है 39,530 का लेवल पे, ये अगर टूटता है तो तीसरा रेजिस्टेंस 39,670 का लेवल पे निकाल कर आ रहा है। लेकिन ये अगर टूटे तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं बैंक निफ्टी में एक बार फिर से शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ये कुछ रेजिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर आप जो है बैंक निफ्टी में सपोर्ट को देखते हैं, फिलहाल सपोर्ट आपको सबसे पहले यही मिल रहा है जो 38,750 का लेवल हो रहा है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम कर सकते हैं। अगर बात करें गैप अप होने का तो पूरा चांस है, लेकिन अगर इसके नीचे फिसल रहा है तो बैंक निफ्टी में आपको साइडवेज में चलता हुआ नजर आ सकता है इस इन रेंज के बीच में, मतलब 38,750 और 39,107 के बीच में साइडवेज में दिख सकता है। फिलहाल इसके नीचे नहीं जाएगा, या तो ऊपर की तरफ भी जाएगा या तो आप साइडवेज में देखेंगे, लेकिन डाउन साइड में कोई चांस यहाँ पर फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जो आप रिवर्सल आ रहे